उत्तराखंड परिवहन निगम को इस बार चारधाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें यात्रा के लिए परिवहन निगम रोडवेज की बसों की संख्या भी बढ़ाने जा रही। परिवहन निगम में यात्रा की तैयारियों को लेकर विभागीय मंत्री चंदर राम दास ने कहा कि पूर्व में यात्रा के लिए 40 से 50 बसों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार कम से कम 100 बसों को परिवहन निगम यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। परिवहन मंत्री चंदर राम दास ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बसों की फिटनेस सुविधाएं और उसके रखरखाव को बेहतर तरीके से किया जाए, जिससे यात्रियों में अच्छा मैसेज पास हो सके। चारधाम यात्रा में परिवहन निगम की लगभग 40 से 50 बसें चलती है और मेरा मानना है कि इस बार हम कम से कम 100 बसें परिवहन निगम की चलाएं। और जब हमारा उद्देश्य है कि परिवहन निगम की आमदनी को हम बढ़ाएं, तो एक अवसर है चारधाम यात्रा, और मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा में अच्छी बसें, साफ़ सुथरी बसें और बिल्कुल तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बसों को चलाऊँ, और जिससे चारधाम यात्रा में सहयोग भी मिल जाएगा रोडवेज का, और चारधाम यात्रा के कारण रोडवेज की आमदनी बढ़े, इसलिए रोडवेज की प्रमुख भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास है।